उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष की परिभाषा क्या है, क्या वाकई में उत्तम पुरुष बनने से हमारी ज़िंदगी में बदलाव होगा, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आइए उत्तम पुरुष की परिभाषा को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देशाटन पे निकले हुए थे। रास्ते में दुर्जनपुर नामक एक गांव आता है जहां पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं किस गांव में रुकना सही होगा। उसके कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध के शिष्य गांव में भ्रमण के लिए निकलते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि गांव के सभी व्यक्ति उन्हें बहुत भला बुरा कहते हैं। इस बात से नाराज होकर सभी शिष्य वापस गुरुजी के पास लौट आते हैं। महात्मा बुद्ध ने देखा कि सभी शिष्यों के आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने एक शिष्य से पूछा, क्या बात है, आप सभी इतना क्रोध में क्यों हैं? तभी एक शिष्य ने जवाब दिया, गुरुवर, हमें इस गांव में नहीं रुकना चाहिए था। जो गांव हमारी इज्जत नहीं करता, हमें सम्मानित नहीं करता, उस गांव में रुकने का कोई फायदा नहीं है। इस गांव के लोग सम्मान के लायक नहीं हैं। इस गांव के लोग केवल दुर्व्यवहार करना ही जानते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि किसी और गांव में जाने से हमें सद्व्यवहार मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि निश्चित रूप से इस गांव से सभी गांव जरूर अच्छे होंगे। महात्मा बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, वहां के लोगों के अंदर के बुराई को मिटा दें, उनके दुर्व्यवहार को सद्व्यवहार में बदल दें। हमारा तो यही कर्तव्य है कि इस दुनिया में जहां पर भी हम जाएं, वहां के लोगों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं। अगर सही मायने में बात किया जाए तो संतों का काम लोगों को सुधारने का ही है। अगर इस तरह का गांव आपको दिखाई देता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस गांव को सही रास्ते पर लेकर आएं। हमारे लिए तो ये चुनौती की बात है कि अगर कोई बुरा व्यक्ति है या बुरा गांव है तो उसे सही रास्ते पर हम कैसे लेकर आ सकते हैं। ये सभी बातें सुनकर महात्मा एक प्रिय शिष्य ने उनसे पूछा कि हे गुरुवर, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं, ये उत्तम व्यक्ति होता क्या है? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपने कार्य को पूरा करता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई थी। अब वह लोग उसी गांव में रहने का निर्णय लेते हैं। हम आशा करते हैं हमारी आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।